नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम बात करेंगे BSNL के कुछ प्लान्स के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे BSNL के वैलिडिटी के प्लान्स के बारे में। अब यहाँ पे हम इन प्लान्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो BSNL प्लान्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक दो दो के डिफरेंस पे प्लान में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तब लोग सोचते हैं कि कौन सा रिचार्ज है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में पूरा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आप यहाँ पे एक सेंसिबल डिसीजन ले पाओगे। बट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपका BSNL प्राइमरी सिम है कि सेकेंडरी सिम है। तो यहाँ से सीधा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मिनिमम प्लान से स्टार्ट करेंगे। सबसे सस्ता प्लान आपको कौन सा देखने को मिलेगा वैलिडिटी में, फिर धीरे धीरे हम रेट को महंगा करते रहेंगे और एकदम एंड तक जाएंगे। आप उन्हें देखकर डिसाइड कर सकते हो, अपने बजट को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्लान सबसे सही रहेगा और कौन सा आपको सबसे ज्यादा वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले प्लान की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लान है वो है 49 रुपीज का। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 100 मिनट देखने को मिलेंगे, ये 20 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें आपको 1 GB डाटा भी देखने को मिलता है। अगर आपको इमरजेंसी में नेट यूज करना है तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। सो यहाँ पे ये प्लान किन लोगों के लिए है। अब सपोज आप जब आपको कोई काम पड़ता है तभी आपको रिचार्ज कराना है, तब आपके लिए बढ़िया है, आप एक बार रिचार्ज कराओ अपना, 20 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा और आपके काम का छुट्टी, आप बाद में रिचार्ज तब कराना जब आपको काम पड़ेगा फिर से। बट उन लोगों के लिए मैं प्लान रिकमेंड नहीं करता जो लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं, मतलब आपको हर 20 दिन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर एक महीने का होता तो बढ़िया भी रहता, बट यहाँ पे 20 दिन का टाइम बहुत ही लिमिटेड पीरियड है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए तो आप नेक्स्ट प्लान को देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, ये आपको पूरे 75 रुपीज का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको इसकी वैलिडिटी पूरे 30 दिन की देखने को मिलेगी। इसमें आपको 200 मिनट्स मिलेंगे कॉलिंग के लिए और इसमें आपको डाटा के लिए पूरे 2 GB देखने को मिलेगा। और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इसमें आपको BSNL ट्यून्स भी देखने को मिल रही हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं ये मिनिमम प्लान आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने BSNL वैलिडिटी का रिचार्ज कराना है। अब ऐसा क्यों है, इसमें आपको जो रिचार्ज है पूरे 30 दिन का है, आप थोड़ी बहुत बात करते हो तो आपको मिनट भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, पूरे 200 मिनट्स, और इसमें आपको 2 GB डाटा भी देखने को मिल रहा है। तो ये कंप्लीट पैकेज है एक नॉर्मल यूजर के लिए। बट एक बात का ध्यान देना, इसमें और इससे पहले वाले में कोई भी इनबिल्ट SMS पैक देखने को नहीं मिलता। अगर आपके सिम में बैलेंस है तो ऑब्वियसली आप SMS भेज सकते हो, बट इसमें इनबिल्ट पैक नहीं है कोई। और यहाँ पे नेक्स्ट प्लान है वो है 94 रुपीज का। अब ये प्लान थोड़ा बहुत सेम है 75 रुपीज जैसा ही। इसमें आपको 200 मिनट कॉल देखने को मिल जाएंगी, बट इसमें डाटा थोड़ा ज्यादा है, डाटा आपको 3 GB देखने को मिलेगा और जो उसकी वैलिडिटी है वो 45 डेज की है। इसमें भी आपको BSNL ट्यून्स देखने को मिल रहा है साथ में, प्लस इसमें भी आपको कोई भी SMS देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक क्लियरली प्रेफरेंस पे आता है, अगर आपको एक महीने का चाहिए तो आप 75 वाला ले सकते हो, अगर आपको 45 डेज वाला चाहिए तो आप ले सकते हो 94 वाला। बेनिफिट्स आपको मोर और लेस दोनों में सेम ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है 107 का। अब ये प्लान डिट्टो सेम है, 200 मिनट्स और आपको 3 GB इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 13 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, वो है इसके 5 दिन की वैलिडिटी। तो अगर आपको वैलिडिटी चाहिए तो आप ये ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप 94 वाले लेना, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है 147 रुपीज का। अभी काफी इंटरेस्टिंग प्लान है ये प्लान, आपको पूरे 30 दिनों के लिए देखने को मिलेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल देखने को मिलेंगी और जो डाटा वो आपको 10 GB देखने को मिलेगा टोटल। तो यहां आप देख सकते हो काफी कम रेट पे आपको डाटा भी अच्छा खासा मिल रहा है और आपको कॉल्स भी अच्छी खासी यहां पे देखने को मिल रही हैं, जो कि है अनलिमिटेड। अब यहां पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है 197 का। अब इसमें समझना आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो है पूरे 100 दिन की, बट जिसमें आपको मैं बेनिफिट्स बताऊंगा वो आपको बस 18 दिन को ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 100 SMS पर डे देखने को मिलेंगे, आपको 2 GB डाटा पर डे देखने को मिल जाएगा और जो कॉल है वो आपकी अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे ये ऑफर काफी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जिन्हें वैलिडिटी से ज्यादा मतलब है, उन्हें बेनिफिट से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि बेनिफिट है वो बस 18 दिन के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसमें बस आपको वैलिडिटी देखने को मिलेगी जो कि है 100 दिन की। 18 दिन के बेनिफिट्स खत्म होने के बाद अगर आपके सिम में बैलेंस है, मतलब आपके सिम में कुछ पैसे हैं, तो आप उससे कॉल भी कर सकते हो 100 दिन तक के लिए और उससे आप SMS भी भेज सकते हो, नेट भी चला सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान आता है वो है 249 का। अब जब इस प्लान को मैंने पहली बार देखा BSNL की ऐप में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कॉल भी अनलिमिटेड लिखा था और इसमें डाटा भी अनलिमिटेड लिखा था। बट जब मैं इसकी डिटेल्स में गया तब मैंने देखा वहाँ पे जो डाटा है वो बस 2 GB पर डे डाटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा चीटेड सा फील हुआ, क्योंकि जब मैंने सामने देखा था वहाँ अनलिमिटेड डाटा था। और यहाँ पे अगर हम SMS की बात करते हैं, आपको 100 SMS पर डे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका थोड़ा बेसिक सा प्लान है, जिन्हें 2 GB डाटा पर डे चाहिए वो 249 रुपीज़ खर्चेंगे। तो यहाँ पे जैसे और कंपनी आपको देती है 2 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS, 100 SMS पर डे, तो वही सेम चीज़ आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट प्लान की बात करें तो वो है 319 का। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान है। अब ये प्लान है, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 75 डेज की।
अब इसमें आपको कॉल्स तो अनलिमिटेड देखने को मिलती ही है, और जो यहाँ पे डाटा है वो है 10 GB पूरा, और आपको जो SMS मिलेंगे वो टोटल मिलेंगे 99 SMS। आपका छोटा मोटा काम ये कर देंगे, तो आपको कोई सेपरेट अपना जो रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो गाइस ये प्लान उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा जो साल भर का महंगे महंगे रिचार्ज नहीं कराना चाहते। तो यहाँ पे छोटा सा रिचार्ज है 78 दिनों का, इसमें आपको लमसम भी डाटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि 1 GB डाटा पर डे देखने को मिल रहा है, अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपको जरूरत होगी तो आप उसे पूरे डाटा को एक साथ यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप एक छोटा वैलिडिटी का प्लान सोच रहे थे तो आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है 397 का। अभी जो प्लान है ये मैंने पर्सनली अपने मोबाइल में कराया हुआ है। अब जब मैंने प्लान कराया था तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी ज्यादा थी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इस प्लान में अब क्या मिल रहा है आपको वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब इस प्लान की वैलिडिटी आपको पूरे 200 दिन की देखने को मिल रही है, बट जो बेनिफिट्स हैं आपको वो बस आपको 60 दिन के देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब बेनिफिट्स क्या है इसमें भी आप जब पहली बार इस प्लान को देखोगे आप में, तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड नहीं है। इसमें आपको 2 GB डाटा पर डे देखने को मिलेगा 60 दिनों के लिए, और यहाँ पे आपको 100 SMS भी देखने को मिलेंगे, और जो कॉल है उसमें अनलिमिटेड है पूरे 60 दिनों के लिए। उसके बाद बस आपके पास वैलिडिटी बचेगी और आप कर सकते हो कॉल कर सकते हो इससे, अगर आपके उसमें होगा बैलेंस तो आप इसमें कर सकते हो कॉल और मैसेज भेज सकते हो। बट यहाँ पे जब मैंने रिचार्ज कराया था तब मुझे इसमें पूरे 300 दिन की वैलिडिटी देखने को मिली थी, और उससे पहले जब मैंने देखा था तब ये पूरे 365 की डेज की वैलिडिटी के साथ आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे BSNL की वैलिडिटी कम कर रहा है बिना किसी को बताए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको रिचार्ज कराना तो आप करा सकते हो, क्या पता इसकी वैलिडिटी फ्यूचर में और ज्यादा कम हो जाए। तो यहाँ से अपने नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं, वो है 699 का प्लान है ये। अब ये प्लान आपको थोड़ी ज्यादा वैलिडिटी के साथ आएगा, क्योंकि आपको पता है आप थोड़ा इतना अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको वैलिडिटी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसकी वैलिडिटी है वो है 160 डेज की। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स देखने को मिल रही है, और जो डाटा है वो है 0.5 GB पर डे, मतलब आधा GB आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एकदम लाइट यूजर हो तो अभी इस प्लान को पिक करना, वरना आपको डाटा में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, और SMS भी आपको इसमें 100 SMS पर डे देखने को मिल जाएंगे। और उसमें BSNL 2 आपको देखने को मिल रही है वो बस 60 डेज के लिए है, वो 160 डेज के लिए नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे BSNL 2 नहीं यूज करते तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है 797 का। अब इस प्लान में भी सेम चीज है, जो बेनिफिट्स है वो आपको 60 डेज के देखने को मिलेंगे, और जो प्लान की वैलिडिटी है वो पूरे आपको 365 डेज की देखने को मिलेगी, मतलब पूरे एक साल की देखने को मिलेगी। अब जो बेनिफिट्स है वो क्या है, आपको 2 GB डाटा पर डे देखने को मिल जाएगा इसमें, और आपको 100 SMS देखने को मिल जाएंगे पर डे, और जो कॉल्स है वो अनलिमिटेड है। तो ये प्लान काफी लोगों के लिए काफी सही हो सकता है, क्योंकि आपने देखा इसकी वैलिडिटी पूरे 365 डेज की है, जो कि BSNL पहले यहाँ पे दे रहा था 397 में। तो यहाँ पे टाइम के साथ BSNL भी धीरे धीरे महंगा हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में मैं दो प्लान्स की एक साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो दोनों प्लान एकदम सेम है, बट उसमें एक थोड़ा सा कैच है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सस्ते प्लान की बात करते हैं, वो है 1199 का, और जो महंगा वाला प्लान है वो है 1499 का। अब आप बोलोगे ये प्लान अगर सेम है तो रेट में डिफरेंस क्यों है, अब वो समझते हैं। बट उससे पहले से हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। सो इसमें जो कॉल्स देखने को मिल रही है वो अनलिमिटेड कॉल्स है पूरे एक साल के लिए, SMS भी 100 SMS पर डे देखने को मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए, और जो आपको डाटा देखने को मिल रहा है वो है पूरा 24 GB। अब ये बेनिफिट्स आपको दोनों प्लान में सेम देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे कैच ये है, जो महंगे वाला प्लान है वो तो कोई भी करा सकता है, बट जो यहाँ पे सस्ता वाला प्लान है जो है आपको 1199 का, वो बस GP2 सब्सक्राइबर यहाँ पे करा सकते हैं। अब ये टर्म थोड़ी कंफ्यूजिंग है, GP2 क्या है एक्चुअली, इसकी फुल फॉर्म है Grace Period 2। अब ये Grace Period 2 कौन सा है, अब यहाँ पे Grace Period 1 होता है, Grace Period 2 होता है, अब ध्यान से समझना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ये। अब Grace Period 1 तो आपको हर कंपनी देती है, जो रिचार्ज के बाद स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं ना, जिसमें आपकी इनकमिंग आती रहती है, उसे आप बोलते हो Grace Period 1। अब उसके बाद स्टार्ट होता है Grace Period 2, जो कि होता है 165 डेज का। अब BSNL ये बोल रहा है कि आप रिचार्ज खत्म होते ही ये रिचार्ज नहीं करा सकते, आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा अगला रिचार्ज कराने के लिए, तभी आप यार रिचार्ज करा सकते हो, वरना आपका रिचार्ज वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 7 दिन का वेट करोगे तो यहाँ पे आप 300 रुपए का बेनिफिट ले सकते हो। अब ये नहीं पता BSNL किस सेंस में ये प्लान लाया है, क्योंकि यहाँ पे हर कंपनी चाहती है जो उनका कस्टमर है जब उसका रिचार्ज खत्म होगा उसके साथ ही अपना नेक्स्ट रिचार्ज करा ले, या उससे पहले ही करा ले। जियो तो इतना परेशान कर देता है कि रिचार्ज खत्म होने वाला है आपका, अपना नेक्स्ट रिचार्ज करा लो, उसे क्यों ऐड कर लो। बट यहाँ पे BSNL की थोड़ी अलग थ्योरी है शायद से, वो बोल रहे हैं 1 हफ्ता वेट करो तब आपको थोड़ा प्लान सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज से हमें BSNL की एक अच्छी बात पर लगी है कि अगर आप 172 दिन तक अपने BSNL में कोई भी रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका सिम डीएक्टिवेट नहीं होगा। आपको पता है जियो में क्लियर लिखा है वेबसाइट में कि अगर आप 90 दिन तक रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका सिम डीएक्टिवेट हो सकता है, बट BSNL में ये टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपको अपना सिम ऐसे डंप करके रखना है तो आप 172 दिन तक रख सकते हो। तो गाइस यही सारे प्लान थे BSNL के जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको वैलिडिटी के प्लान चाहिए थे।
अब यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान कौन सा रहेगा, हर प्लान के अलग अलग बेनिफिट हैं और कौन सा प्लान किन यूजर के लिए है, मैंने वो साथ साथ आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जो और कंपनियां यहाँ पे प्राइस हाइक कर रही हैं अपने प्लान का, यहाँ पे BSNL ने भी कर रहे हैं अपने कुछ प्लान के प्राइस हाइक, बट यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे पब्लिसिटी नहीं की हम प्राइस हाइक कर रहे हैं, तो इसलिए लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो BSNL सारे प्लान हैं 3G प्लान हैं, 4G अब कई लिमिटेड एरिया में आया है, वहाँ पे ये 4G चल पड़ेंगे, बट मोस्टली इंडिया में अभी तक 4G नहीं आया, अभी ट्रायल चल रहे हैं, अगस्त तक बोल रहे हैं कि शायद आ जाएं, और जब पूरे इंडिया में 4G आ जाएगा तब ये प्लान्स भी मेरे हिसाब से महंगे हो जाएंगे डेफिनेटली। तो गाइस यहाँ पे इतना था इस वीडियो के लिए, होपफुली आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वैलिडिटी प्लान रहेगा BSNL में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप BSNL पोर्ट करने की सोच रहे हो तो हमने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप वो जाकर देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे कि आपको पोर्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जय हिंद।